नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिनभर में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे दिनभर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। गाजियाबाद स्कूल बस हादसे में परिवहन विभाग के 3 अफसर सस्पेंड, एसडीएम के पीड़ित परिजनों से हुई नोकझोंक। कोरोना के मामले बढ़ते ही दिल्ली मेट्रो ने बढ़ाई सख्ती, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा ₹500 जुर्माना। दिल्ली में भीषण गर्मी की वापसी, 44 डिग्री के पार होगा तापमान, मई जून में पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। जहांगीरपुरी में सद्भावना बैठक, रविवार को दोनों समुदाय के लोग निकालेंगे इलाके में तिरंगा यात्रा, डीसीपी ने की खास अपील। बीजेपी ने जहांगीरपुरी मामले में दिल्ली सरकार कांग्रेस को घेरा, बोले हिंसा पर चुप रहे, दंगाइयों पर कार्रवाई का कर रहे विरोध। गाजियाबाद के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अनुराग नेहरा की मौत पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब परिजनों ने स्कूल और बस ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आई है, वहीं इसको लेकर एक अभियान भी शुरू किया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको। गाजियाबाद के मोदी नगर के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अनुराग नेहरा की मौत पर बवाल बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में जिसे सिर्फ एक हादसा बताया जा रहा था, परिजनों द्वारा अब स्कूल और बस ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्हीं आरोपों को लेकर जब परिजनों द्वारा मोदी नगर सड़क को जाम किया गया तो एसडीएम के सब्र का बांध टूट गया। देखिए, अभी मोदी नगर वाली जो दुर्घटना है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुख्य कारण ये रहा कि कोरोना के कारण तकरीबन 2 साल से स्कूल बंद रहे, इसलिए स्कूलों ने अपनी फिटनेस कराने पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज की तारीख में तकरीबन 750 बसें हमारी बिना फिटनेस है। ऐसे में परिवहन विभाग ने कई मल्टी टारगेट योजनाएं बनाई हैं, जिसमें सबसे पहले हमें एक ऑपरेशन 1000 आंखें 1000 हाथ लॉन्च करने जा रहे हैं। ये 1000 आंखें 1000 हाथ होंगे हमारे उन सभी पेरेंट्स के जिनके बच्चे इन स्कूल बसों से यात्रा कर रहे हैं। इन सभी को हम लोगों ने का कोशिश होगी कि हम अपने व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग एक्सेल शीट में ऐसी सभी बसों की लिस्ट तैयार करवा रहे हैं जिनकी फिटनेस या परमिट टूटे हुए हैं। कोई भी पेरेंट अगर हमें उस नंबर पे उस एक्सेल शीट को मांगेगा, हम तत्काल उनको वो एक्सेल शीट प्रोवाइड करेंगे। हमारी सभी पेरेंट से करबद्ध प्रार्थना है कि उस एक्सेल शीट में कृपया, क्योंकि आपका नौनिहाल उस स्कूल बस से जा रहा है, उसमें चेक कर लें कि क्या उस बस में उसका परमिट या फिटनेस या बीमा टूटा तो नहीं है। यदि टूटा है तो तत्काल उनको 2 स्टेप करने हैं। एक, स्कूल प्रबंधन से जाकर के शिकायत करनी है। दूसरा, उसी मैस हमको उस बस की सटीक लोकेशन भेजनी है ताकि हम उसको सीज कर सकें या चालान कर सकें। इस तरह से जब 1000 आंखें 1000 हाथ मिलेंगे तो हम श्योर हैं कि एक शॉर्ट स्पैन में हम पूरे गाजियाबाद में एक ऐसा प्रभावी जनाक्रोश बना पाएंगे। ये जो स्कूल की फिटनेस की जो समस्या है उसको हम तत्काल दूर भी कर पाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एसडीएम मृत बच्चे की मां को लगातार डांट रही है। इस मामले में परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आई है। स्कूल बस अनफिट होने के चलते शासन ने 2 एआरटीओ और 1 संभागीय निरीक्षक को निलंबित कर दिया। संभागीय निरीक्षक वर्तमान में कानपुर में तैनात है और गाजियाबाद से 1 साल पहले उनका तबादला हुआ था। उनके कार्यकाल में ही बस का 1 साल पहले आखिरी बार फिटनेस कराया गया था, इसमें लापरवाही मानी गई है। संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मोदी नगर हादसे के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि 1000 आंखें और 1000 हाथ नाम से अभियान शुरू किया जा रहा है।
व्हाट्सएप पर अभिभावकों को बसों की एक्सेल सीट दी जाएगी। एक्सेल सीट से बसों की फिटनेस और बीमा आदि की जानकारी मिल जाएगी। अभिभावकों की शिकायत पर मानक पूरे नहीं करने वाले बसों को सीज किया जाएगा। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल DMRC ने कहा है कि मेट्रो में सफर के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जो मास्क नहीं लगाएगा उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने पर अब दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वालों को भी सावधान होने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालात और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के बाद दिल्ली मेट्रो की ओर से भी सख्ती कर दी गई है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य होने के बाद अब दिल्ली मेट्रो ने भी मास्क कंपलसरी कर दिया है। अब मेट्रो में सफर करने के दौरान मास्क नहीं लगाया तो आपसे 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। मास्क को लेकर दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। इस दौरान उन्होंने रिठाला मेट्रो स्टेशन पर लोगों से मास्क को लेकर कई सवाल किए। आप भी सुनिए लोगों का इस फैसले पर क्या कहना है। मनु, आप दिल्ली के रिठाला पे मौजूद हैं, ये मास्क लगाना जो फैसला किया है 500 रुपए का, तो आप मास्क लगाए हो, अच्छी बात है, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। धूल मिट्टी कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए मास्क बहुत जरूरी है और सभी को लगाना चाहिए। तो सही फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। मैम, मेट्रो में मास्क लगाना अनिवार्य आपने लगा रखा, क्या कहेंगे इस बारे में? मास्क लगाना बहुत जरूरी है, मास्क लगाना अच्छी बात है। DMRC की ओर से कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के अलावा स्टेशन परिसर में कोविड व्यवहार का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए रैंडम फ्लाइंग स्क्वाड भी मौजूद रहेगी, ताकि यात्रियों से ट्रेनों के अंदर और मेट्रो परिसर में कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करवाया जा सके। वहीं नियमों को न मानने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। DMRC की ओर से जारी गाइडलाइन में यात्रियों से अपील की गई है कि अपनी और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए यात्री मेट्रो ट्रेनों में यात्रा करने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए कवर या मास्क का इस्तेमाल करें। बता दें कि भारत में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल आने लगा है। दिल्ली में ही पिछले कई दिनों से रोजाना 1000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं, जिससे सरकार की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। IMD ने अलर्ट किया है कि आने वाले सप्ताह में दिल्ली वालों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं मई और जून में गर्मी से बुरा हाल होगा। देश की राजधानी दिल्ली में इस बार अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने तेवर तीखे कर दिए थे। शुरुआती सप्ताह में गर्मी ने नए रिकॉर्ड बना लिए, लेकिन अप्रैल के मिड के बाद लोगों को गर्मी के बीच कुछ राहत मिलती रही। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम से बदलाव के कारण निचले हिस्सों में ठंडक खुल रही है। पिछले दो दिनों से राजधानी में बादल छाए हुए थे, इस कारण दिल्ली के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अब IMD का कहना है कि शनिवार और रविवार यानी 23 व 24 अप्रैल को मौसम में कुछ बदलाव देखने मिलेगा। राजधानी में एक बार फिर गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। शनिवार और रविवार को गर्म हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। ऐसे में वीकेंड पर दिन के समय लोगों को खासा परेशान होना पड़ सकता है। आने वाले सप्ताह की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से मौसम खुला रहेगा। एक बार फिर सूरज सुबह से ही लोगों को परेशान करना शुरू कर देगा। ऐसे में तापमान में भी वृद्धि होगी। IMD के अनुसार 25 से 27 अप्रैल तक पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं 28 अप्रैल को हीट वेव की चेतावनी दी गई है। ऐसे में पारा बढ़कर 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। यानी रविवार के बाद से लोगों को राहत नहीं मिलेगी और एक बार फिर गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुर इलाके में सद्भावना बैठक का आयोजन किया। साथ ही DCP उषा रंगनानी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दोनों समुदाय के लोगों ने DCP को यकीन दिलाया कि हम एकता से रह रहे हैं, साथ ही रविवार को दोनों समुदाय के लोग मिलकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीते दिनों निकाले गए जुलूस के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद पथराव, आगजनी, गोलीबारी समेत हिंसक घटनाओं के बाद सुर्खियों में अतिक्रमण विरोधी मुहिम बुलडोजर रही। इसके बाद अब हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अमन की दिशा में दिल्ली पुलिस की कोशिश रंग लाते हुए दिखाई दे रही है। कोई आहत हो जाए, वो मिला है, लॉ एंड ऑर्डर यहां मेंटेन होना चाहिए।
पीस प्रिवेल करना चाहिए। आपने आज मुझे ये आश्वासन दिया है, मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया है और इनफैक्ट अपनों को भी कॉन्फिडेंस दिलाया है कि जो प्यार अमन शांति यहाँ पे थी वो बरकरार रहेगी। मेरा आपको आश्वासन है कोई भी एसेंशियल सर्विस नहीं रुकेगी, कोई जीविका की कोई भी आपको कुछ भी जरूरत है आप निश्चिंत होकर अपनी दुकानें खोलें, निश्चिंत होकर अपनी जीविका चलाएं। मेरी तरफ से आपको फैसिलिटेट ही किया जाएगा और कोई बंदिश कोई बाधा नहीं, और मिलके रहें। उम्मीद है बहुत ही खुशी से हम सब मिलके ईद मनाएंगे, अलविदा जुम्मा भी साथ में मनाएंगे। और आप यात्रा करना चाहते हैं तिरंगा यात्रा करें, अमन यात्रा करें, आपका इलाका है, आपका इलाका है, आप जो करना चाहें मैं आपके साथ हूं। दोनों समुदाय की ओर से सद्भाव का संदेश दिया गया। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में दोनों समुदायों के साथ सद्भावना बैठक की। इस बैठक में दोनों पक्षों ने कहा कि हम सभी एकता के साथ रह रहे हैं। डीसीपी उषा रंगनानी ने लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में स्थानीय शांति समिति के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में शांति व सद्भाव की अपील की। इस दौरान दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे से गले मिले और दोबारा ऐसी घटना ना हो ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। मौजूद स्थानीय लोगों ने कहा कि वे रविवार को भाईचारे का प्रतिनिधित्व करने के लिए इलाके में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए शहजादा हाशमी की रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा और फिर बुलडोजर कार्रवाई पर सियासत तेज है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार और कांग्रेस पर तुष्टिकरण राजनीति का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा, चलिए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। साथियों, जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ और जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, जिस समय दिल्ली पुलिस पर पथराव हो रहा था, गोलियां चल रही थी और निर्दोष लोगों पर पथराव हो रहा था, हिंसा हो रही थी, उस समय कोई राजनीतिक दल अपना बयान देने नहीं आया, ना उनके बचाव में आया, उनके मुंह सिल गए, चुप हो गए। और उसके बाद जैसे ही दंगाइयों को पकड़ कर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद उनके ऊपर निगम का बुलडोजर चला, अतिक्रमण हटाने के लिए जो रोहिंग्या बांग्लादेशी उन पर बुलडोजर चला, तो सारे राजनीतिक दल सोकाल सेकुलर गैंग इकट्ठा होकर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब इकट्ठे हो गए। पूरा देश इस बात को देख रहा है और इस तरह की घटना, इसी तरह की जब दूसरी घटना राजस्थान में अलवर में होती है, 300 साल पुराना मंदिर ढहा दिया जाता है, कांग्रेस की सरकार ने इस तरह के जो काम किया है, उस समय कांग्रेस का कोई नेता वहां पहुंचता नहीं है, वहां पर आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचता है, सबके मुंह सिल जाते हैं, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज का मंदिर वहां तोड़ा गया और कांग्रेस के राज में तोड़ा गया और कांग्रेस मौन रही, आम आदमी पार्टी मौन रही। ये मानसिकता, एक तुष्टिकरण की मानसिकता जो वर्षों से राजनीति में आम आदमी कांग्रेस कर रही थी, वही काम आम आदमी पार्टी कर रही है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी की देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।